एमएनएस न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइन की ओर। डेढ़ साल बाद खुली कब्र, शौकी हुए कई खुलासे। तांत्रिक के कहने पर पड़ोसी का गला काटा, फेल होने पर माँ पिता ने डांटा तो घर से निकल गया। अब खबरें विस्तार से। नूमे नगीना के गांव इमानवाड़ा की वारदात बताई जा रही है। करीब 18 महीने पहले मर चुकी महिला का शव कब्र से निकाला गया। परिजनों का आरोप है कि महिला की हत्या की गई थी। मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने शव को कब्र से निकालने का आदेश दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। नई दिल्ली में प्रसाद नगर में हत्या के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तांत्रिक के कहने पर अपने ही पड़ोस में रहने वाले रंजन विश्वास का गला काटकर हत्या कर दिया। इसके बाद वह फरार हो गया है। फेल होने पर बुरी लगी माँ पिता की डांट। यूपी के मोनपुरी के भागकर ऋषिकेश पहुंची 12 वर्षीय छात्रा। पुलिस की नजर पड़ते ही पूछताछ की तो छात्रा ने तो पहले किया गुमराह, लेकिन बाद में सच बता दिया। छात्रा को मोमिनपुरा पुलिस को सौंप दिया गया है। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।